जी सबको राम राम। तो आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आप कमेंट करते हो कि व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, तो आपको पता है बच्चों के साथ टाइम है, बस रीजन वही है कि टाइम थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सोचा आज 31 अक्टूबर है और आप सबको पता है यशमीत का बर्थडे है, तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी काम, सुबह के बजे हैं 8, यशमीत के पापा चले गए, दादा चले गए, नीचे बच्चे नहा रहे हैं। और आप सबको पता है 1 नवंबर का करवा चौथ भी है कल, तो आज लगानी है हमें मेहंदी भी। और आप सबको पता है मैं खुद ही मेहंदी लगाती हूँ, मैं बाद नहीं लगवाती, तो पहले लगानी है मेरे को यशमीत की दादी को, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो अभी पहले फटाफट कर रही हूँ काम, खाना वाना मेरा बन गया सारा, और अभी मैं लगा रही थी पोचा। कमेंट भी आ रहे हैं कि आप करवा चौथ की शॉपिंग शेयर करो, जो मैंने शॉपिंग करी है, जो मैं डालने वाली हूँ कल करवा चौथ पे, सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो ये करवा चौथ का सूट मैंने खरीदा था, आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो ये देखो मैंने सिलवा भी लिया, मैंने खुद ही सिला है ये, तो आप देख सकते हो ये सूट है मेरा पूरा। और ये ट्रेंडिंग में सलवार चली हुई है, आपको पता है ये मैंने बीच में लैस लगाई है इसमें, तो ये सिल लिया मैंने सलवार। और ये है मेरा दुपट्टा, नेट का दुपट्टा है ये देखो। तो ये है मेरा करवा चौथ का सूट जो कि मैंने शॉपिंग करी है, तो बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी। और होई माता का व्रत रखा है, उसके लिए मैंने ऑर्डर करी है साड़ी, तो मेरी साड़ी अभी आने वाली है 1-2 दिन में, जैसे ही आएगी मैं आपको दिखा दूंगी। तो आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। ये देखो ये मम्मी के सूट हैं, ये 2 सिलवाए हैं, ये देखो ये ब्लू कलर है और ये ऑरेंज, ये वर्क गले पे है और ये चुन्नी है और ये नीचे बॉर्डर है। तो ये 2 सूट सिलवाए हैं, कल ये डालेंगी करवा चौथ वाले दिन, और अहोई माता के व्रत वाले दिन ये डालेंगी। तो ये 2 सूट मम्मी के लाए थे और सिल भी गए। अहोई माता का व्रत भी आता है 5-6 दिन के बाद करवा चौथ के, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर करी है साड़ी जो कि मेरी आएगी, और मैं आपको साड़ी भी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी मैं आप सबको। तो आप बताना, मैंने बहुत प्यारी कर रखी है ऑर्डर किया, बस अभी मैं लगा रही हूँ अपने कमरे में, तो फटाफट मैं लगा लूँ एक बार पोचा, इतने बने रहो आप। थी मैं नीचे और नीचे लगा रही थी पोचा, और इधर ये अंगद और यश में कित गया, यशु कित गया, अंगू के खावे के खावे, मिट्टी के खावे है, यीशु यीशु कित गया, बाहर गया यीशु, बाहर गया, आप नहीं गए, ओ दे बाहर का नाम सुनते हो भाग लिया, ए लियो ओ यशमीत का आज बर्थडे है ना यीशु, क्या आपका इधर खड़े जाओ, ओ अंगद बतावे क्या अंगू भैया का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है आज यशमीत का है यीशु, है आज तो खुश हो रहा है, केक काटेगा, केक काटेगा, अच्छा के आज भाई का मालिए, बोलना तो आता नहीं, गूंगे मालिए। तो ये देखो मैंने लगा दी मम्मी को तो मेहंदी, इस हाथ पे ये डिजाइन लगाया, ये बच्चों ने खराब कर दी, इधर से आपको दिख रही होगी, और इस हाथ पे ये लगाई है, और बार के दिखाओ, ये देखो इधर ये फूल बनवाया है, और इधर ये मैंने पापा का नाम लिख दिया सुरेश, और ये इस हाथ पे ये बेल लगाई है। तो कंप्लीट हो गई मम्मी की, और अभी मैं लगाऊंगी, ये देखो पोरवे करके मेरे हाथ पे भी कितनी डार्क मेहंदी रचेगी, देखो अभी से बस पोरवे ही करे हैं। यशमीत नाम दिखा, इधर ये यशमीत ने नाम लिखवाया अपना, देखो यशमीत को भी कितनी डार्क लगी हो। अंगद तेरी मेहंदी दिखाई है, मैंने दिखाई, अंगद ने भी लगवाई थी भाई, दिखा मैंने दिखा, क्या क्या दिखा वीडियो में, वीडियो में दिखा दिखा, ये देखो भाई अंगद ने कर ली खराब लगी। तो अभी मैं फटाफट में और लगा लेती हूँ, देख सकते हो मैंने अपने एक हाथ पे लगा ली, ये डिजाइन लगाया मैंने, ये देखो ये बाहर लगाया है, ये देखो ये डिजाइन लगा मेरे पे, और नाम आप देख सकते हो इनका नाम लिख दिया मैंने, लिखा है अमित की लुगाई, आजकल ट्रेन में चला हुआ है, तो देखो
और ये इधर लगाई है मैंने पैरों पर, ये देखो थोड़ी बहुत लगा ली पैरों पर भी, तो अभी एक हाथ पर अभी। तो मैंने ये डेकोरेशन कर दी यशमीत के बर्थडे की, ज़्यादा कुछ नहीं बस छोटी सी डेकोरेशन आप देख सकते हो सुंदर सी कर दी मैंने। और ये अंगद अभी रो रहा है कि मुझे गुब्बारा क्या चाहिए है, गुब्बारा देखो इसे कितने फोड़ दिए भाई, अब भी इसको गुब्बारा चाहिए, ये मैंने इधर लगा दिया, अब भी ये बोल रहा है कि गुब्बारे चाहिए। हाँ क्या चाहिए क्या, ओ गुब्बारा, चलो दे देते हैं तेरे को गुब्बारा। तो भाई बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी ये डेकोरेशन। निकाल ली मैंने नई ड्रेस, ये है अंगद की और ये यशमीत की पैंट, और अभी इसको कर रहे हम तैयार क्योंकि केक काटने की हो गई तैयारी। और इधर बना रही है आज यशमीत की खुशी में मम्मी खीर, तो ये देखो आप इधर बन रही है हमारी खीर, ये देखो हमने मीठे में आज खीर बनाई है। इधर आज यशमीत के बर्थडे पर हमने बनाई है खीर, इधर खीर बन रही है। तो अभी मैं इनको रेडी कर देती हूँ, यशमीत के पापा यशमीत का केक लेने गए हैं, तो आ जाओ बेटा हो लो रेडी। अंगद क्या पहनेगा, नए कपड़े पहनेगा, चलो भाई पहनो फटाफट चलो। इधर आ गए थे यशमीत के दादा और केक काटने की हो गई थी तैयारी, बस अभी केक हम काट ही रहे थे, तो इधर ही अंगद भी आ गया और इसकी दादी भी, तो अभी कट करेंगे केक। भाई तभी खुआ दे अंगूत है, कुंते नहीं भाई उस तलाक जगह अंगूत तभी खुआ दे क्या है क्यों क्या खा ले अंगूत, चिज़ी ले शूज तेरा गिफ्ट ले फोटो भी ले लो बस हो गया तेरे गिफ्टी में इसे दादा ने भी खुआ दे, थोड़ा सा पीस लेकर के खुआ दे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यशमीत, चलो बेटा हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे, चलो पापा को खुआ, हैप्पी बर्थडे आते होता ना, ले पापा को खिला, पापा को खिला, अम्मे को खिला, अब यहाँ पे खाएगा मम्मा को खिलाएगा, तो फाइनली हमने केक कट कर लिया यशमीत का, तो ये केक था, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा यशमीत, कैसा लगा बेटा केक, वेरी गुड। तो आपको गिफ्ट में क्या क्या मिला, गाड़ी, गाड़ी मिली और कैरम बोर्ड ले ले रहा। वो देखो कितना बड़ा गिफ्ट लेके आ रहे हम, कैरम बोर्ड वो भी लेके आए तेरे लिए, तू कितने दिन से जिद कर रहा था हैं। तो आपको ये कैरम बोर्ड है जो हमने यशमीत के बर्थडे पे गिफ्ट किया है, इसको ये बहुत दिन से जिद कर रहा था कि मुझे कैरम बोर्ड चाहिए। तो अंगद अभी सारे नीचे गए केक खा के, और इधर ये यशमीत के साथ अभी फोटो वगैरह ले रहे थे हम, तो अभी गिफ्ट दिया तो था, ओपन करो पापा पे, ओपन कराओ, ओपन कर दो इसका गिफ्ट, क्या निकला, ओ गाड़ी देखी यशमीत की, दो गाड़ी आ गई भाई, ये देखो ये इसका गिफ्ट है आप देख सकते हो, कैसी लगी है यीशु,
कैसी लगी बेटा? अच्छी। देख दो गिफ्ट मिल गए भाई, ये एक इसको कैरम बोर्ड और ये दो दो गाड़िया। ये देखो सही है, पापा जी को थैंक यू बोल। पापा जी थैंक यू। चलो भैया को भी दे दिए गाड़ी साथ में, ठीक है।